हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ये देखिए, मैं आज अलसी के बीज का जेल बना रही हूँ, जो हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले, यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं यहाँ पे अलसी का पाउडर का जेल बनाया है और इसे मैं ठंडा कर दिया, कम से कम 5 मिनट इसको उबाले हैं। और इसे अब हम कॉटन कपड़े से इसको हम छान लेंगे। आप चाहे तो चाय छन्ना के सहायते या छलनी के सहायते से भी इसे आप छान सकते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे इस तरह से जेल में निकाल लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं जेल निकाल लिया है और इसे और भी फ्रेश करने के लिए मैं इसको दोबारा फिर से मैं छान लेती हूँ, ताकि बालों में जो अलसी का जो छिलका है वो बालों में ना लसके। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्रोटीन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सभी पोषक तत्व तो बालों को झड़ने से भी रोकता है और बालों को पतला होने से भी बचाता है। अलसी का बीज, प्राकृतिक तेल और जेल बालों को स्मूथ और शाइनिंग लुक देते हैं। इसमें विटामिन ई, बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का गुणों से युक्त अलसी के इस तरह से आप अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने बालों को शैम्पू पहले कर ले, साफ कर ले और इस तरह से जेल को अप्लाई करें अपने बालों पर, और इसे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा बालों पर रखें। फिर आप नॉर्मल पानी से इसे धो सकते हैं। और ये हमारे चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गर्दन और चेहरे पर आप इसे लगाकर 10 मिनट मसाज करें, फिर नॉर्मल पानी से भी इसे धो लें। ये जेल आपकी स्किन को टाइट और जमा रखने में मदद करता है और ये आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाने का भी काम करता है। ये त्वचा को मॉइस्चराइजर करने में भी मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो रूखी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलसी के बीजों से बना ये ब्यूटी जेल आपकी त्वचा की रंगत निखारेगा और लगातार प्रयोग से ये आपकी त्वचा का ढीलापन दूर रखेगा और त्वचा में टाइटनेस भी आएगी। और इसके अलावा अलसी के बीजों से मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा के कील मुहासों को भी और दाग धब्बे को भी दूर करेगा, और इसके लगातार अप्लाई करने से आपके स्किन साफ और सुंदर दिखेगा। इसे चेहरे पर लगाने के बाद 10 मिनट मसाज करें और फिर नॉर्मल पानी से इसे धो लें। ऐसा करने से आपको रिजल्ट जल्द ही पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।